हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे हिंदी फर्स्ट में पार्ट पांच कोयल की कूक, और उसके कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो यह कविता बच्चों अपने आधी पढ़ ली थी और अब आगे की ओर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 34। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 34 पर देखेंगे। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे। तो इस ऋतु में, इस कविता में क्या पढ़ा था बच्चों अपने ने? बसंत ऋतु के बारे में और कोयल की कूक के बारे में पढ़ा था कि कोयल की आवाज मीठी होती है और वह एक डाल से दूसरे डाल पर घूमती है, कोयल के बारे में पढ़ा था। अब आगे की ओर पढ़ेंगे। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, चारों ओर बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। बड़ा ही मन को मोहने वाला सुंदर वर्णन क्या गया है कि बसंत ऋतु में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, बसी हवा बहने लगती है। बसी मतलब कि मौजूद, फूलों में जो हवा, जो खुशबू होती है, दिशा महकने सब लगती है। महकने यानी कि खुशबू, फूलों में जो मौजूद हवा, जो खुशबू होती है, वह चारों दिशाओं में चारों ओर महकने लगती है। चारों ओर खुशबू का वातावरण महक उठता है। तब यह मतवाली होकर, मतवाली यानी कि मस्त होकर, हर झूम झूम डाली डाली पर, कौन? कोयल। तब यह मतवाली होकर, मतवाली यानी कि मस्त होकर, झूम झूम डाली डाली पर, एक डाल से दूसरी डाली पर अजब समा दिखला देती है। अजब यानी कि अनोखा मौसम दिखला देती है। सबका मन अपना लेती है, मन अपना लेती है यानी कि सबका मन मोह लेती है। कौन? जब बसंत ऋतु का वातावरण होता है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, चारों ओर खुशबू का वातावरण होता है, महक उठती है, तब कोयल होती है जो वह मतवाले भी मस्त होकर एक डाल से दूसरे डाल पर घूमती रहती है और अपना अनोखा सा मौसम समा दिखा देती है और सबका मन, सबको मन मोह अपना लेती है, सबका मन मोह लेती है, सबको मोहित कर देती है, प्रसन्न कर देती है, खुश कर देती है। बच्चों जब अपना मुंह खोलो तुम भी मीठी बोली बोलो। तो क्या कह रहे हैं इस पाठ के माध्यम से कवि अयोध्या से उपाध्याय है, इस पाठ के माध्यम से कहना चाह रहा है, बच्चों को यह शिक्षा देना चाह रहे हैं, यह प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि बच्चों जब भी आप अपना मुंह खोलो तो आप भी मीठी वाणी का ही प्रयोग, मधुर वाणी का ही प्रयोग करा करो। तुम भी मीठी बोली बोला करो बच्चों, तुम भी मीठी बोली का ही प्रयोग करा करो। इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। जो भी मीठी वाणी बोलता है तो सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं और सारे जो सुख है वह मीठी वाणी बोलने से मिलते हैं। इससे कितने सुख मीठी वाणी बोलने से सभी और अपने ओर आकर्षित होते हैं, सबके प्यारे, और हम बच्चे हैं वह सबके प्यारे बन जाते हैं। तो बच्चों ये इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मीठी वाणी अर्थात मृदु वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा कैसी वाणी बोलनी चाहिए बच्चों? हमें हमेशा मीठी मीठी बोली ही बोलनी चाहिए। तो बच्चों पेज नंबर 34 है, इसको दो बार अच्छे से रीड कर लेना और रीडिंग की प्रैक्टिस डेली करना। थैंक यू।